हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त हिमालयन वनस्पति डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हजारों सालों से आयुर्वेद में प्रमुख तौर पे यूज की जा रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक झाड़ी नुमा पौधा है और ये 2000-3000 मीटर के ऊपर ये पहाड़ों में लगना शुरू होता है। और अगर इसके पहचान की अगर मैं डिटेल्स बताऊं तो इसके पत्ते ध्यान से देखिए, ये नीचे से पतले होते हैं और ऊपर जाकर के एकदम से फैलते हैं। महुआ के का पेड़ देखे तो उसके पत्ते भी ऐसे होते हैं, या फिर पियावासा के पत्ते ऐसे होते हैं। और एक इसकी बारीकियां मैं आपको बताऊं तो ये जैसे फैलते हैं वैसे ही ये दो जगह पर जाकर के इस ये पॉइंटेड हो जाते हैं बाहर की तरफ और इसे काटे लगते हैं। ये धतूरे के पत्ते में भी इस तरह का स्टाइल होता है, लेकिन उसे काटे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप छोटी कटेरी या फिर सत्यनाशी का पौधा देखें तो इसमें भी इस तरह के पत्ते फैल करके बाहर निकलते हैं और उसे काटे लगते हैं। तो ये इसके पत्ते के पहचान के बारीकियां हैं। इसके अलावा इसके पत्ते जो है वो झुमकों में भी लगते हैं, इससे भी इसकी पहचान आसानी से आप कर सकते हैं। वसंत में इसे फूल लगते हैं, फूल इसके अमलतास के फूल जैसे पीले होते हैं, झुमकों में लगते हैं, बड़े खूबसूरत फूल होते हैं। और इसे बाद में अप्रैल मई में जून में इसे बहुत जामुन जैसे फल लगते हैं। इसके फल भी झुमकों में लगते हैं और इसके अलग अलग कलर्स होते हैं। शुरुआत में ये येल्लो नजर आएंगे, फिर थोड़े ग्रीन से भी नजर आते हैं कभी कभी, और थोड़े से बाद में पिंक होते हैं जैसे जैसे पकते हैं, बाद में इवेंचुअली ये लाल जैसे हो जाते हैं और फिर जामुनी हो जाते हैं, और तब इनका सेवन भी किया जाता है, इसे खाया भी जाता है। मुझे यकीन है आपने इस पौधे को पहचान ही लिया होगा। हाँ, आपने सही पहचाना है, ये महान अति दिव्य दारू हल्दी, दारू हरिद्रा का पौधा है, ये उसकी झाड़ी है। दारू हल्दी के गुणों की अगर हम बात करें तो ये त्रिदोष नाशक होता है, तो हर तरह के दोषों को ये बैलेंस आउट करता है और बॉडी को स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा ये दर्द शामक होता है, ये शोथ को भी यानी स्वेलिंग को भी कम करता है और ये अत्यंत अत्यंत कीटाणु नाशक होता है। दारू हल्दी के इतने सारे फायदे हैं जो कि बड़े आश्चर्यजनक है। अगर हम ऊपर से बात करें तो आंखों के लिए भी दारू हल्दी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसमें मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि एक्चुअली बहुत सारी पीली चीजें हैं जो काफी बार आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, हिमालय के क्षेत्र में ही एक ममीरा एक जड़ी बूटी होती है, वो भी तोड़ने पर उसकी जड़ का भी प्रयोग किया जाता है, जड़ तोड़ने पर येल्लो होती है अंदर से, और उसको उसको उसका भी अगर आंख में अंजन करते हैं तो आंखों के लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और हर कहीं जो सत्यनाशी पाई जाती है उसका भी अगर उसको भी अगर उसके पत्ते तोड़ते हैं तो उसके डंठल को तोड़ने पर दूध निकलता है, वो भी येल्लो होता है, और उस दूध को अगर घी के दिए में डुबोए और अगर उस दिए को उसका काजल बना करके आंखों में लगाते हैं तो भी आंखों के बहुत सारे विकारों में वो बहुत ही चमत्कारी लाभ देता है, वो भी पीला होता है ये दूध भी। और इसके अलावा ये तीसरा एग्जाम्पल है दारू हल्दी, इसकी जड़ भी अगर उसको तोड़ते हैं तो अंदर से वो येल्लो होती है, और ये भी आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसको अगर इस जड़ को थोड़ा सा घिसते हैं और थोड़ा सा पानी के साथ घिस करके अगर आंखों में अंजन करते हैं तो आंखों के बहुत सारे विकारों में बहुत चमत्कारी लाभ देता है। इसके अलावा ये खास करके मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए, डायबिटीज के लिए दारू हल्दी किसी चमत्कार से कम नहीं है आजकल, और एक्चुअली ये डायबिटीज के लिए बहुत ही यूज होता है। जैसे मैंने दो तीन एपिसोड पहले बताया था, एक्चुअली मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए दवा बना रहा था, उसके लिए रिसर्च कर रहा था डायबिटीज के लिए, तो बर्बरीन जो है वो
मैंने पाया बहुत ही ज्यादा आजकल यूज कर रही है हर फार्मास्यूटिकल कंपनी डायबिटीज के मेडिसिन्स में, और ये एक प्रमुख तत्व है जो कि आजकल बहुत ही असरकारक है। तो ये क्योंकि दारू हल्दी में बर्बरीन होता है इसलिए इसका नाम जो है वो है बर्बरिस एरिस्टाटा। तो ये डायबिटीज के लिए वन ऑफ द प्रमुख बेसिक वनस्पतियां है, जिस तरह से हम लोग गुड़माल का प्रयोग करते हैं या फिर अपने जो साउथ में जो पेड़ पाया जाता है जैसे खरोचने पर खून जैसा लाल स्राव उसमें से निकलता है, वो भी डायबिटीज के लिए एकदम बेसिक मुख्य प्रमुख वनस्पतियों में से एक है। इस तरह से दारू हल्दी जो है वो बहुत ही जबरदस्त काम करती है डायबिटीज के लिए, उसमें खास करके इसके जड़ों को लेकर के और पानी में उबाल करके उसका काढ़ा अगर पिया जाए तो डायबिटीज तुरंत कंट्रोल में आता है, और इतना ही नहीं वो ठीक भी हो जाता है। और ध्यान से सुनिए, ये जो बर्बरीन तत्व है ये सिर्फ दारू हल्दी में ही नहीं पाया जाता है, ये और भी वनस्पतियों में पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, साउथ इंडिया में एक वनस्पति है कोसाइनम फेनिस्ट्रेटम, वो गिलोय जैसी या पान के पत्ते जैसी एक बेल होती है, उसमें भी बर्बरीन तत्व पाया जाता है। इसे साउथ इंडिया में क्यों जहां पे दारू हल्दी मिलती नहीं है वहां पे ये वनस्पति यूज की जाती है डायबिटीज के लिए। लेकिन दारू हल्दी में खास करके बर्बरीन जो है ये तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, और नंबर दो ये एक ऐसे फॉर्म में होता है जो कि बॉडी बहुत ही नेचुरली और बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए दारू हल्दी डायबिटीज में बेजोड़ है। और आगे बढ़ते हैं, खास करके बवासीर में ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अगर बवासीर है, बवासीर में मस्से हो रखे हैं और मस्सों में से चाहे खून भी क्यों ना निकल रहा हो, तो ये इन बहुत ही खराब परिस्थिति हो जाती है बवासीर में। मैंने देखा है लोगों की बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, ऐसे खराब में खराब स्थिति में भी अगर दारू हल्दी का भृंगराज के साथ और अगर जो जिमीकंद होता है उसके साथ अगर प्रयोग करते हैं, और नाग केसर और मक्खन और रीठा इसके कॉम्बिनेशन से, और जो अपना नागदोन होता है उसके साथ ये इस कॉम्बिनेशन में अगर यूज करते हैं तो बड़े तेजी से लाभ होता है। इसके अलावा हर तरह के पेट के विकारों में और स्किन के विकारों में भी ये बहुत जबरदस्त है। या इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि हल्दी भी आप अगर देखें तो स्किन के लिए बहुत अच्छी है, पेट के लिए बहुत अच्छी है, इसी तरह से दारू हल्दी भी सेम लाइंस पे बहुत अच्छी काम करती है। लेकिन जिस हल्दी और दारू हल्दी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, दोनों ही अपने लेवल पे बेजोड़ है। और दारू हल्दी में जो एंटी इन्फेक्शन वाले जो गुण होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं और कमाल के होते हैं। हर तरह के चर्म विकार में और हर तरह के पेट के विकार में, जिसमें चाहे कितना भी इन्फेक्शन क्यों ना हो गया हो पेट में, ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसके अलावा ये लीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा काफी लोग मानते हैं एक्चुअली कि लीवर एस्पेशली जॉन्डिस में पीली चीजें नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है लोगों का, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो दारू हल्दी जो है वो पीली होती है, फिर भी इसका सेवन कराया जाता है जॉन्डिस में, और जॉन्डिस को ठीक करने में, लीवर को ठीक करने में ये बहुत ही जबरदस्त कार्य करता है। अब दारू हल्दी के इतने सारे फायदे हैं, एक्चुअली एक एपिसोड में हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे, मैं फ्यूचर में इस पे और डिटेल में एपिसोड करूंगा क्योंकि इसके वाकई में बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मेरा अनुभव इसमें शेयर करते रहता हूं। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत, बाय।